हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ सोनम पांडे और आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि फिर से कितने दिनों के लिए लॉकडाउन लगने वाला है। फ्रेंड्स, महाराष्ट्र में कोरोना बहुत ही तेजी से बढ़ रहा है, इसीलिए एक बार फिर से स्ट्रिक्ट लॉकडाउन लगाने का फैसला लिया है उद्धव ठाकरे जी ने। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो शुरू करती हूँ और आपको बताती हूँ कि कितने दिनों का ये लॉकडाउन लगने वाला है। फ्रेंड्स, महाराष्ट्र सरकार उद्धव ठाकरे ने कल यानी कि सैटरडे को एक वीडियो कॉल के बैठक में उन्होंने बोला था कि 8 से 15 दिन का लॉकडाउन लगाया जाएगा। अब इस बात का फैसला आज के बैठक में बताया जाएगा और उनका कहना है कि ये लॉकडाउन लगाना ज़्यादा ज़रूरी है और अभी अगर लॉकडाउन नहीं लगाया गया तो बहुत ही मुश्किल हो जाएगी, इसलिए ये लॉकडाउन लगाना ज़्यादा ज़रूरी है। जितनी जल्दी लॉकडाउन लगेगा उतना ही ज़्यादा फायदा रहेगा। अब यहाँ पर एक बात आपको बता देती हूँ फ्रेंड्स, कि ये तो कंफर्म है कि एक हफ्ते का लॉकडाउन लगने वाला है यानी कि वीकेंड लॉकडाउन लगने वाला है। इसी बात पर देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि अगर ये लॉकडाउन लग जाता है तो व्यापारियों गरीबों के लिए नुकसान हो जाएगा। कोरोना वायरस बहुत ही तेजी से फैल रहा है, इसीलिए ये स्ट्रिक्ट लॉकडाउन लगाने के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, ऐसा ही उद्धव ठाकरे जी ने भी कहा है। दोस्तों, आज यानी कि संडे के दिन एक बैठक होने वाली है जिसमें कि ये पक्का किया जाएगा कि ये लॉकडाउन 8 से 15 दिन के लिए लगाया जाएगा या नहीं। संडे और मंडे तक ये पता चल जाएगा कि वीकेंड लॉकडाउन यानी कि संपूर्ण लॉकडाउन लगाया जाएगा कि नहीं। इस बात का फैसला इसलिए लिया गया है क्योंकि 50,000 से भी ज़्यादा केसेस सामने आए हैं महाराष्ट्र में। फ्रेंड्स, आपका इस बारे में क्या कहना है कि लॉकडाउन लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए, आपका डिसीजन क्या है, एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइए। फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। जैसे ही कोई और न्यूज़ मिलती है, अगर ये कंफर्म भी हो जाता है कि कल से लॉकडाउन लगने वाला है, वो भी बहुत स्ट्रिक्ट लॉकडाउन लगने वाला है, तो इस पर एक वीडियो और भी बना दूंगी। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक आने चाहिए, तभी मुझे पता चलेगा कि आपको ये वीडियो पसंद आई है।